हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास रसोई एट जियास आर्टिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल पूरी। तो यहाँ पर हम चने की दाल से एक पूरी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से पूरी बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है और ये जो दाल है ये बॉयल दाल है, तो हमने इसको उबाल लिया था और बिल्कुल ड्राई दाल हमने यहाँ पर रखनी है। तो उबालने के बाद इसको छान लेंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए इसमें से, एक्स्ट्रा पानी। और उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया लिया है, उसको भी हमने बारीक चॉप करना है धनिए को। साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं नमक, तो नमक जो है स्वाद के अनुसार रहेगा, कम या ज़्यादा। आधा चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं गर्म मसाला, आधा चम्मच लेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर हम डाल रहे हैं चाट मसाला, थोड़ा सा एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए, चटपटा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो पूरी में भरने के लिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो बस आपने ध्यान देना है कि जब आप दाल को बॉईल कर रहे हैं तो उसके बाद इसको किसी छन्नी में कम से कम आधा घंटा अच्छे से रखेंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। तो देखिए, दाल जो है एकदम ड्राई है हमारी। अब यहाँ पर मसाले सब मिलाने के बाद हम इसमें एक प्याज ऐड कर रहे हैं, प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो पहले दाल में हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें प्याज मिलाएंगे। और प्याज जो है वो भी फ्रेंड्स बहुत बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पर हमने पहले से आटा लगा के रखा हुआ था, तो यहाँ पर एक आटे की हमने लोई ली है। तो जो नॉर्मल पूड़ी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हमने यहाँ पर ली है आटे की, क्योंकि हम स्टफ पूड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगेगा। जैसे हम प्लेन पूड़ी बनाते हैं तो हम छोटी और कम साइज़ की लोई लेते हैं। तो हल्का सा हम इसको बेल लेंगे पहले, और उसके बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग जो हम अंदाजे से डालेंगे, तो यहाँ पर हम एक चम्मच के बराबर जो है चने की दाल की जो स्टफिंग हमने बनाई है वो डाल देते हैं, उसको सेंटर में कर देते हैं। और पूरी को जो है चारों तरफ से ऐसे हमने कवर कर देना है, बंद कर देना है और एक पोटली बना लेनी है। और अब इसको फ्रेंड्स हम हल्के हल्के हाथों से हमने दबाना है, क्योंकि दाल है तो दाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, हल्की सी वो गीली रहती है। तो इसलिए भी हम यहाँ पर बेलन नहीं ले रहे हैं, पहले हम हाथ से करेंगे उसके बाद हमने बेलन लेना है। जब हाथ से हम अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं बेलन भी जो है मैं एक ही हाथ से चला रही हूँ, दोनों हाथ से ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने पहले से ही ऑयल जो था वो गर्म होने के लिए रखा हुआ था जब तक हम पूड़ी बेल रहे थे। तो ऑयल भी जो है हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें पूड़ी डालेंगे। अब हमने यहाँ पे पूड़ी डाली है, तो आप देख सकते हैं पूड़ी को हम बहुत ज़्यादा नहीं लाएंगे, कुछ देर ऐसे ही छोड़ना है। और जब ऐसे हल्के से इसमें बबल्स आने लगे, धुआं आने लगे, तो उसके बाद ही हम इस पूड़ी को पलटेंगे। और ये फ्रेंड्स दाल की पूड़ी है, स्टफ पूड़ी है, तो ये फूलेगी नहीं। तो इसको हमने थोड़ा सा बिल्कुल करारा क्रिस्पी तरीके से तलना है, तो इसलिए हम इसको दोनों साइड से बार बार पलटते रहेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। और ये जो करना है फ्रेंड्स, हमने गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो करके धीमी आँच पर ही हम ये करेंगे, तेज़ आँच पर नहीं करना है। तो देखिए पूड़ी जो है हमारी बन गई है, बढ़िया सी करारी पूड़ी। तो ऐसे ही दूसरी पूड़ी भी निकाल लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स हमारी चना दाल पूरी तैयार है गर्मा गर्म, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने सर्व किया है टमाटो सॉस, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी मसाले की पूड़ी है, दाल की जो स्टफिंग थी उसमें भी काफ़ी मसाला था, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रीन चटनी नहीं ली है। तो यहाँ पर हम टमाटो सॉस ले रहे हैं ताकि एक खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन बना रहे। तो आप ये चॉइस ऑप्शनल है, आप चाहें तो हरी चटनी या टमाटो सॉस जो भी आप लेना चाहें, साथ में आप चाय भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और स्टफ पूड़ी है, बस बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो दाल है उस पर आपने ध्यान देना है। जब हमने फ्रेंड्स दाल को बॉईल किया है तो कम से कम 3 सीटी, क्योंकि चने की दाल है तो 3 सीटी में ये अच्छे से गल जाती है। और जब हम दाल को गलाएंगे तो फ्रेंड्स उसमें हमने नमक जो है बिल्कुल अंदाजे से हल्का सा ही डाला है, क्योंकि दाल अगर बिना नमक के उबालेंगे तो उबलने में टाइम लगेगा। तो सिर्फ इसलिए कि दाल अच्छे से उबल जाए, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, क्योंकि जब हम स्टफिंग बनाएंगे तो उसमें भी हमने हल्का सा नमक वहाँ भी ऐड किया है।
और चाट मसाला में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, हमारी चना दाल पूड़ी तैयार है, और आप भी बनाइए और मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि